राम राम दोस्तों, जुहार। आज है होली, इसलिए होली का दहन, होली का दहन। तो होली का दहन और कल की रंग पंचमी। जी जी जी। तो इस होली का दहन में सारे के दुख जो है वो जल जाए और सबको सुख की प्राप्ति हो। और कल रंग पंचमी के दिन सारे की जिंदगी में रंग निखर आए, इसी के साथ आप सबकी शुभकामनाएं होली। जी जी। और आज होली का दहन में हम हर त्योहार में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाता है करके आज हमारे यहाँ भी बन रहा है मूंग का पकोड़ा, जो कि मेरी गणेश सावित्री की जोड़ी में है, इनका रेसिपी है। जी जी, चना दाल चावल और मूंग लेना है। ये हर एक घर में बनता ही है क्या यहाँ पे महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र में बनता है। कोई वड़े बनाते, कोई मूंग का पकौड़ा बनाते, अलग अलग। हम पहले से यही बना रहे, तो यही बना जिसको जैसा मतलब अच्छा, जो अच्छा लगे। और ये चढ़ाते भी है ना, इसमें करना विशेष कुछ भी नहीं। और इधर से मीठे में हलवा, मीठे में मम्मी बनाई है हलवा स्पेशल। हम तो दो प्याज गाजर हलवा। हाँ हाँ जी जी। तो एक्चुअली इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल है। रात को चना दाल चावल और थोड़ी मूंग, तीनों को एक साथ भिगा के रख देना है और सुबह मिक्सर में पीस लेना। इस तरीके से इसका बैटर तैयार हो गया और तल लेना। जी जी। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज होली का दहन है तो आज स्पेशल हमारे घर में ये देख सकते हैं व्यंजन बना हुआ है और बहुत ही चाव से। सबसे पहले आज घर में जो जो बना हुआ है वो अलग से उसको कर लिए हैं, उसको भोग लगाते हैं। हाँ, वो नैवेद्य के लिए अलग रखते हैं तो वो अलग रख दिया। हाँ, अलग रख दिया है। और इधर से आप देख सकते हो पूरा खाना पकवान बन के रेडी है। हमारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं, मम्मी भी बैठी हुई है। क्या क्या खाना बनाए गणेश जी आज? खाना है सब्जी, उसके बाद दाल चावल। ओके, बैक करके सब्जी है आलू की दाल, ये मीठा हलवा रवे का, टमाटर अपना, आम की चटनी, मूंग पकौड़ा, चावल और ये रोटी। जी जी। आपने सलाद नहीं लिया, हम लोगों ने सलाद लिया। एक चीज में आप पीछे हो गए। जी जी, ले लेंगे। ले। चलिए शुरू कीजिए प्रसादी से। आपके लिए कम मीठा वाला बनाइए मम्मी। चीनी कम खाते ना? मैं कम खाता हूँ, पर वैसे मीठा भी खा लेता है सब। अच्छा, फिर से राम राम दोस्तों, जोहार, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों, आप सभी को हमारे पूरे परिवार की ओर से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए मंदिर और मंदिर का दर्शन कर लिए। उसके बाद अभी जाएंगे गुलाल खरीदने के लिए। और पता है गुलाल किसको लगाएंगे? गणेश जी को। अभी हम गणेश जी के मंदिर में करके गणेश जी को लगाएंगे। जी जी। और आज गणेश जी को ज्यादा ही, मेरे इधर मेरे हीरो ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं हीरो दिखाई दे रहा हूँ, अगर स्मार्ट लग रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, आप पतलू दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इतने क्यूट। मैं बाल जानबूझ के बारीक किए। क्यों बाल गिर जाते हैं? नहीं, हर महीने तो फिर बढ़ ही जाते हो। जी जी। तो फिर कटिंग करने की जाएंगे तो पैसा खर्चा होता ना, करके मैंने 2 महीने के लिए कट कर। एक काम कीजिए ना, आपका बाबू भी आ जाएगा। जब बाबू आएगा तब करना, छठियारी में। इसको बोलते हैं बचाओ, पैसे बचाओ, है ना? उसको देखिए, अभी हम मार्केट से आए, थोड़ा सा कुछ सामान लिया, सब्जी वगैरह इधर देख सकते। फिर मूंग पत्ती देखिए, बहुत गर्मी लग रही है और बोले पेट में भी थोड़ा गर्म लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो कुछ ठंडा खिला लो। लस्सी जो है थोड़ी ठंडी है, पेट भी ठंडा लग रहा है, ऐसे भी ठंडा लगी है ना। तो मैं हमेशा वीडियो लेती हूँ इनका ना, ये खाते हैं ये मेरे पे बदला ले गए। हाँ लो, कुछ भी, अभी तो ये लस्सी लेके बैठी है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने मुझे क्या कहा कि मेरी भी लस्सी ले ली और मुझे कहा कि आप चाय पी लो, तो मैंने अपनी लस्सी भी उनको दे दी। 2 लस्सी। दोस्तों, इधर से मैं मार्केट आई हूँ जहाँ पर बहुत सारे गुलाल है। इधर से गणेश जी ले लिए कलर। किस कलर का लिया जी? लड़कियों को पसंद आता पिंक। मुझे पिंक नहीं पसंद, रेड पसंद। तो जरूरी सबको पिंक पसंद है? तो ये और बड़े बड़े जो लकड़ी को उसके ऊपर और बड़े बड़े लगाए। अभी हम लोग जा रहे हैं फेरी मारने के लिए। दीदी लोग सब नीचे गए, हम लोग बोले ताला मार के आते हैं पीछे से। और अभी धीरे धीरे मम्मी लोग उतर रही है, आज कंटिन्यू रही है, क्योंकि आज पहली बार मैं फेरा मार रही हूँ, है ना।
हर हर महादेव। ये क्या नैवेद्य? अच्छा, जो हम लोग अभी रखे थे जो खाने के पहले, हम लोगों ने तो अभी रखा नहीं, उधर है हमारा आने का। हाँ, लोग सब आके यहाँ रख देते हैं, वहाँ पे रखते हैं। जैसे मम्मी फेरा मार रही है नोनो के साथ, अभी हम दोनों भी मारेंगे। दीदी का हो गया ना, छोटी पहले ही मार ली ना। और लगाना है क्या? जी गणेश जी बोलिए। दोस्तों, होली क्या है? होली का दहन जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये तो वैसे सबको पता ही होगा। जी जी। फिर भी मैं एक अपनी लैंग्वेज में समझा दूँ। होली का दहन ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ये है होली का दहन। और इस तरीके से मतलब झाड़ को ये करके ऐसे जलाया जाता है, और यहाँ पर प्रसाद रख कर अग्नि को ये करके सब प्रसाद रखते हैं, नैवेद्य रखते हैं। ये है होली का दहन। मैसेज देने के लिए तो दोस्तों देखिए, अभी हम इधर आ चुके हैं। होली का दहन हो चुका है इधर, और इधर इन्होंने अभी से रंग लगाना चालू कर दिया। ऐसे ये कल खेलते हैं, क्या कर रहे हैं इधर? ये कल खेलते इधर से हमारी ये सिस्टर भी आ चुकी है दर्शन के लिए। नो गुड़िया, क्या कर रही है गुड़िया? हाय बोल। हाय। तो दोस्तों, ये लो, ये आप दोनों। अच्छा अच्छा, हम दोनों का लीजिए, राइट हैंड से लीजिए। तो दोस्तों, आज हमारा होली शुरू हो चुका है, कल धमाकेदार होली होने वाली है ना। धमाकेदार, यही बहुत बड़ा धमाका है, और क्या धमाका है। मैं तो होली खेलता ही नहीं, होली खेलते ही नहीं। वारे वारे। तो दोस्तों, उधर से आए और वीडियो को एंड नहीं कर पाए, उधर से होली का दहन प्रोग्राम जो खत्म किए उसके बाद। और अभी सुबह सुबह हम वीडियो एंड कर रहे थे। छोटी भी थोड़ी ठीक थी, तो उनको भी घुमाने के लिए ले गए सब। और मतलब वो एक आधा घंटा ठीक रहती है, कभी कभार, डेली नहीं, कभी कभार वो ठीक रहती है। और मूड हुआ तो वही पर मतलब अपना झिंगा मस्ती, हाँ, नमस्ती करना शुरू कर देते। तो ठीक थी आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद हम लोग तुरंत आ गए। और बस हम लोग वही चाहते हैं कि ये होली का दहन में जितनी सबके मन में बुराई हो, मेरे भी मन में, सब जल जाए और बस सबको खुशियाँ मिले, और रंग पंचमी में सारे की जिंदगी, सारों की जिंदगी में रंग भर जाए। और दोस्तों, आज होली है तो होली स्पेशल ब्लॉग भी आएंगे, और गणेश जी का डांस भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तब से गणेश जी बोल रहे कि आज मैं दिल खोल के डांस करूंगा। कौन सा करूंगा? कौन से वाला? मुझे क्या पता, आप ही नहीं तो कहा। करके देखेंगे, करके देख। एक आधा क्या होता है, पांच छह गाना में डांस कर दीजिएगा तो क्या, रील्स में दे देंगे, उसके बाद आपके गणेश सावित्री की जोड़ी में देंगे, फेसबुक में भी डाल देंगे। अरे जीजा जी का धमाकेदार डांस, ठीक है। शर्मा जाते जब ज्यादा इनका तारीफ करने लगो तो।
तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारे होली के लिए दो दिन उधर के काम भी छुट्टी है जी, तो देखते हैं आज सेलिब्रेशन करेंगे है ना जी, और गणेश जी स्पेशल बोल रहे थे कि आज मैं ये पीऊंगा, क्या बोलते, भांग? भांग यहाँ मिलती नहीं है, मिली नहीं रही भांग, तब तो आपको झारखंड जाना पड़ेगा, हड़िया कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग बोलते कि हम तो भांग पीनी चाहिए पर नहीं मिल रही, मतलब पीने का मन है, मिल जाती पंडित जी का मन मिल जाती तो थोड़ी सी, नहीं भांग अच्छी रहती, शिव जी का प्रसाद है, तो भाई मंदिर में जाके बैठ जाइए ना कोई तो लाएंगे, मिल जाएंगे आपको, शिव जी का प्रसाद है, बम बोले थोड़ी सी पीनी चाहिए, बोलते मैंने पी नहीं है पर पीनी चाहिए, वारे मेरे महाराज जी, मतलब इनको पीने का मन है, तो आज मैं आपको छूट देती हूँ, हर एक मंदिर में आप घूमिए, आपको जहाँ मिलेगा आप पी लीजिए, यहाँ नहीं मिलती, वो मिलेगी पचमढ़ी महादेव, वहाँ ये मतलब एमपी में आता शायद पचमढ़ी महादेव, अच्छा, वहाँ से लोग लाते और बनाते और काफी महंगी रहती है, हमारे उधर तो देखते थे जैसे शिवरात्रि हो गई ना तो उसमें मिला देते थे, अच्छा हाँ, शिवरात्रि में जो भांग मिलते हैं तो बच्चे लोग नहीं पीते थे डर से, बोलेंगे नशा लग जाएगा ये वो, तो नहीं पीते थे डर से, तो दोस्तों हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप पसंद आए, पसंद प्लीज हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और हैप्पी होली जरूर लिखिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय झारखंड।